नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। और आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जो बहुत अच्छी जगह है और उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आठवें अजूबे के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम आपको ताजमहल के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसे प्यार की मूर्त के बारे में भी बताया जाता है। तो ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। और ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था। 1000 से अधिक हाथियों को इस निर्माण में यातायात के प्रयोग हेतु यूज किया गया था। पराभाषी श्वेत संगमरमर पत्थर को राजस्थान मकराना से लाया गया था। और जिन भी साथियों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि हम और भी आपको इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया गया, ताजमहल को किस तरीके से बनाया गया था। आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर इस ताजमहल को बनाया गया था। पूर्व में इस जमीन पर राजपूताना राज्य अंतर्गत जयपुर के महाराजा जयसिंह जी का आलीशान महल था। महाराजा शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह जी को आगरा शहर के मध्य एक व्रंत महल दिया गया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया तथा उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सतह से कम 50 मीटर ऊपर बनाया गया, जिससे कि यदि सीलन आदि से इसका बचाव किया जा सके। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पेड़ के बजाय एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरे समान ही एक ढांचा बनाया गया। ये ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुमान से उसे हटाने में ही सालों लग जाते। इसका समाधान ये हुआ कि शाहजहां के आदेशानुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दी गई कि एक दिन में कोई भी चाहे जितनी ईंटें उठा सकता है, और वह ढांचा रात भर में ही साफ हो गया। सारी निर्माण सामग्री एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों में जोतकर शिलाखंडों को यहां लाया गया। एक विस्तृत पेड़ और बल्ली से बनी चरखी चलाने वाली प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। और नदी से पानी लाने हेतु एक रहट प्लानी का प्रयोग किया गया, जिससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक में भरा जाता था। फिर ये 3 गोंद टैंकों में भरा जाता था और जिससे नालियों या पाइपों के द्वारा उन स्थानों पर पहुंचाया जाता था। आधारशिला और मकबरे को निर्माण करने में कम से कम 12 साल का समय लगा। शेष इमारतों और भागों को अगले 10 वर्षों में पूर्ण किया गया। इसमें पहले मीनारें, फिर मस्जिद, फिर जवाब और अंत में मुख्य द्वार बने। क्योंकि ये समूह कई अवस्थाओं में बना, इसलिए इसकी निर्माण समाप्ति तिथि में कई भिन्नताएं। ये इसलिए है क्योंकि पूर्णता के कई पृथक मत है। उदाहरण के लिए, ये मुख्य मकबरा 1643 में पूर्ण हुआ था, किंतु शेष समूह इमारतें बनती रही। इसी प्रकार इसकी निर्माण कीमत में भी भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया। फिर भी इसकी कुल मूल्य लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समय अनुसार आकलन किया गया, जो कि वर्तमान में खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है यदि इसको वर्तमान मुद्रा में बदला जाए। और अब हम आपको इसकी एक कहानी के बारे में बताते हैं कि इसको किस लिए बनाया गया था और ये किसके लिए इसको बनाया गया था। एक पुरानी कथा के अनुसार महाराजा शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल निर्माण हो, जिसमें उनकी कब्र बने। यह अनुमान जिन बेपिट्स टेवर्नियर प्रथम यूरोपियन ताजमहल पर्यटक, जिसने आगरा 1665 में घूमा था, के कथा अनुसार है। उसमें बताया है कि शाहजहां को अपदस्त कर दिया गया था इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए। काले पड़े संगमरमर की शिलाओं से
जो कि यमुना के उस पार मेहताब बाग में है, इस तथ्य को बल मिलता है। परंतु 1990 के दशक में की गई खुदाई से पता चलता है कि ये श्वेत संगमरमर ही थे जो कि काले पड़ गए थे। काले मकबरे के बारे में एक अधिक विश्वसनीय कथा 2006 में पुरातत्ववेताओं द्वारा बताई गई है, जिसमें मेहताब बाग में केंद्रीय सरोवर की पूर्ण स्थापना की गई थी और श्वेत मकबरे की गहरी छायाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था और उस सरोवर में इससे संतुलन या सम्मिलित बनाए रखने या सरोवर की स्थिति ऐसे निर्धारण करने का कि जिससे प्रतिबिंब ठीक उसमें प्रतीत हो, शाहजहां का जुनून स्पष्ट दिखाई पड़ता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के अंग छेदन आदि करा दिए देते या मरवा दिया गया था जिससे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के निर्माण से जुड़े लोगों से ये कारनामा लिखवा दिया गया था कि वे ऐसे रूप का कोई भी इमारत नहीं बनवाएंगे। और जिन भी लोगों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द लाइक कर दें और भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बारे में हम और बताते हैं आपको, इसकी में जो कलाकृतियां हैं, किस तरीके से उसको बनाया गया है वो हम आपको बनाते हैं। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। ये प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर लंबे किनारों पर एक भारी बरकम पिस्टाक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार है। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जों से सम्मिलित है। इसका जो मुख्य मेहराब के दोनों ओर और एक के ऊपर एक दूसरा शैली में दोनों ओर दो दो अतिरिक्त पिस्टाक बने हैं। इस शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो दो पिस्टाक एक के ऊपर एक बने हुए हैं। यह रचना इमारत के प्रत्येक और पूर्णता सम्मिलित है, जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है, परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी चार किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर चार मीनारे मूल आधार चौकी के किनारों में है। इमारत के दृश्य को एक चौकटे में बांधती प्रतीत होती है। मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत है पर इसकी असल निचले स्तर पर स्थित है। इसके गुंबद को किस तरीके से बनाया गया है। मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद इसका एक सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर के बराबर है। यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आकार पर स्थित है। ये अपने आकारनुमा प्राय गुंबद भी कहा जा सकता है। और ताजमहल बहुत ही अच्छी जगह है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पर्यटकों का बहुत ही लगा रहता है और बहुत ही अच्छी जगह है। दूर इसको 8वें अजूबे के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो और भी हम आपको और भी वीडियो है जो आपको मिलती रहेगी। और हम मिलेंगे फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।